नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव जी की आज गिरफ्तारी हो गई। रेड पड़ा, पहले जानकारी मिली कि इनकम टैक्स की रेड है, फिर जानकारी मिली कि सीबीआई की रेड है और कई घटनाक्रम इस तरह से चलते रहा है। राजद में हम आए हुए हैं और हमारे साथ में शक्ति सिंह यादव जी हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं कि वो इन घटनाओं को किस तरह से देखते हैं। देखिए, सीबीआई या इनकम टैक्स जो भी रेड कर रही है आदरणीय लाल भोला जी के आवास पे, भोला जी पर हाइपोथेटिकल एलिगेशन अप्लाई किया जा रहा है और ऐसे भी बीजेपी हताश और निराश है, अपने उन प्रकोष्ठों को सक्रिय कर दिया है सीबीआई ईडी आरआईटी को कि निरंतर आप बेलगाम घूमते रहो और अपोजिशन के नेताओं पर कार्रवाई करते रहो। भाजपा के एमएलए ने कहा कि बीजेपी के सही मंत्री भ्रष्ट है, पैसे लेके काम करते हैं। कोई काम किया ईडी आईटी सीबीआई हमको बता दीजिए। व्यापम में मुख्यमंत्री तक गए जांच के, सीबीआई कहीं सक्रिय हुई क्या? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। सीबीआई कहीं सक्रिय हुई क्या? नहीं हुई। सवाल साफ है कि बिहार में भाजपा सहमी और डरी हुई है। राजद के बढ़ते आभा, तेजस्वी जी की आवाम में स्वीकारता, बीजेपी को रात की नींद कहीं न कहीं छीन ली है। भोला जी तो ओएसडी के रूप में थे, अब उन पर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है सीबीआई, तो मैं इसको क्या मानू? सीबीआई की गिरती आभा का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, माफ करना। तो ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सर, इसके स्वायत्तता पर आप बिल्कुल, हम नहीं, देश के लोग। तो जी मामले में क्या हुआ जी? मिस्टर राय ने क्षमा मांग ली, क्या देश को भी नुकसान कर दिया? स्वायत्ता प्राप्त संस्थाओं जो संवैधानिक है, उसी गरिमा अगर तार तार होती है तो लोकतंत्र और संविधान दोनों घायल होती है। आज हो रहा है, बता दीजिए। महाराष्ट्र में ईडी का इस्तेमाल हुआ ना, रातारा क्या हो गया? चुनी हुई सरकार, ऑफिसर को लॉयल टू द चेयर होना चाहिए, लॉयल टू द पर्सन, लॉयल टू द इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। कल अगर सत्ता जाएगी, यही रास्ता अगर आने वाली कल की सरकार अख्तियार करेगी तो क्या होगा? कितने लोग आपको दिखाई पड़ेंगे बाहर, सब तिहाड़ों में? यही रास्ता अगर आने वाली कल की सरकार अख्तियार करेगी तो क्या होगा? कितने लोग आपको दिखाई पड़ेंगे बाहर, सब तिहाड़ों में दिखाई पड़ेंगे कि नहीं, बता दीजिए। कोई नहीं बच पाएंगे, ना मोटा भाई बच पाएंगे, ना गेड़ा भाई बच पाएंगे। अमित शाह जी के 5 दिन पहले का यह कार्यक्रम है, अमित शाह जी का आने का कार्यक्रम। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, माननीय है, पार्टी के कद्दावर नेता है, बिहार आ रहे हैं, आना ही चाहिए। उसके पहले ये छापा सर, ऐसा कुछ चलते है, मतलब योजना आप, बात आप है क्या चाहते हैं कि अमित शाह, आप यही ना कहना चाहते हैं कि अमित शाह ही चलते सीबीआई डीआईटी साथे साथे लेके जाते हैं, पहले रास्ता क्लियर करते तब पहुंचते हैं? नहीं, ये यही रास्ता कहना चाहते हैं, हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हम लोग इसको लड़ना जानते हैं। सर, नितिन नवीन जी ने भी अभी कहा है कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो चोर मचाए शोर, उन्होंने कहा। नितिन नवीन अनुज हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। अभी हाल ही के दिन में भाजपा के एमएलए ने भाजपा के सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था कि बिन पैसा का कोई काम ही नहीं करता है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है बीजेपी में मंत्री, तो कहाँ ईडी चली गई? चोर चोर थे भाजपा वाले एमएलए जो बता जो लगा रहे थे एलिगेशन। ठीक है, जो कुछ राजनीति बोलने के लिए बेचारे बोल रहे हैं। थैंक यू सर। तो आपको अगर हमारी खबर पसंद पड़े तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।